नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजीन्यूज। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वन प्राणियों के शिकार करने के लिए जंगल में लगाए गए जाल में तेंदुआ फंस गया, जिसकी जानकारी लगते ही पूरा वन विभाग में हड़कंप मच गया। वन विभाग द्वारा ड्रोन कैमरे के माध्यम से जाल में फंसे तेंदुए की निगरानी किया जा रहा था और पूरे वन अमला तेंदुए को जाल से छुड़ाने के लिए पूरी तैयारी कर रहे थे। 11:30 बजे के आसपास तेंदुआ स्वयं झटका मारकर पहाड़ी की तरफ निकल गया। घायल तेंदुए की वन विभाग द्वारा ड्रोन कैमरे और अन्य माध्यम से निगरानी किया जा रहा है। इस घटना की पुष्टि उदंती टाइगर रिजर्व की उप निर्देशक वरुण जैन ने करते हुए बताया कि घायल तेंदुए की निगरानी किया जा रहा है। टाइगर रिजर्व के आरसी कनार परिक्षेत्र का मामला है, जिसमें ग्राम मूचका में सवेरे हमें सूचना मिली थी कि एक तेंदुआ जो है किसी किसान के बाड़ी के पास में जाल में जो कि क्लच वायर से और रस्सी से बनाया गया था उसमें फंसा हुआ पाया गया है। उसी के तारतम्य में जो है वन अमला जो है पुलिस बल की सहायता से ग्रामीणों को जो है दूर किया गया मौके से और रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया गया, जिसमें ड्रोन ऑपरेटर को बुलाया गया। उसने जो है ड्रोन के माध्यम से देखकर बताया कि उसके कमर में जो है क्लच वायर, तेंदुओं की कमर में क्लच वायर फंसा हुआ है और हमने तुरंत इसकी सूचना रायपुर के जो हमारे जंगल सफारी की डॉक्टर्स की टीम है उनको दिए, ताकि डॉक्टर्स की टीम उसको जो है बेहोश करके क्लच वायर निकाल सके। लेकिन उस डॉक्टर की टीम गरियाबंद पहुंची थी, तभी जो है सूचना मिली कि वो तेंदुआ वहाँ से जो है स्थल से रस्सी तोड़ाकर क्लच वायर तोड़ाकर जो है सुरक्षित वन क्षेत्र में फिर से प्रवेश कर गया है। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान में एक जो पत्रकार हैं वो रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनको जो है तेंदुआ द्वारा खरोंच मारकर घायल किया गया, जिनका अभी स्वास्थ्य उपचार के बाद जो है रोगी सुरक्षित। इसमें अभी तक जो है काफ़ी जाल पकड़ में आए हैं, उसमें 131 नग क्लच वायर अभी तक जब्त कर चुके हैं और संभवतः ये जंगली सूअर के शिकार करने के लिए जो है फंदे लगाए गए थे, जिसमें अचानक से तेंदुआ आके गंभीर रूप से फंस गया था, तो जिसका कि रेस्क्यू अभी किया जा चुका। शिकारियों का पता लगाने के लिए डॉग स्क्वाड को भी बुलाया जा रहा है।